तो अब हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य ओडिशा की ओर बढ़ते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। ओडिशा के सभी लोग पूरे राज्य में मांसाहार करना सख्ती के साथ बंद कर देते हैं और शाकाहारी भोजन आरंभ कर देते हैं। ओडिशा के लोग कलिंग के माध्यम से प्राचीन समुद्री व्यापार की याद में बोईता वंदना मनाते हैं। बोईता का अर्थ है नाव या जहाज। बोईता ओडिशा में तब से मनाया जाता है जब ओडिशा का नाम कलिंगा था। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन को छड़ाखाई कहा जाता है, जब मांसाहारी लोग फिर से अपना सामान्य आहार शुरू कर देते हैं। वैसे ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा का सबसे आकर्षक हिस्सा प्राचीन कलिंग व्यापारियों और संबंधित बेड़े द्वारा बाली, इंडोनेशिया आदि जैसे सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए शुरू की गई बाली यात्रा को मनाने के लिए ऐतिहासिक बोईता वंदना का उत्सव है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले ही दिन को छड़ाखाई कहा जाता है, जब मांसाहारी लोग मांसाहारी भोजन शुरू कर सकते हैं। महत्व यह है कि उड़ीसा के लोग इस त्योहार को बाली के संबंध में मनाते हैं।